नमस्कार, मैं मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज टुडे। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज्यादा खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट allindianews.today पर। जय हिंद, जय भारत। 304 बांसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से किसान चौपाल का आयोजन किया गया। जिला संवाददाता अजय शुक्ला की खास रिपोर्ट। मिसरौलिया थाना क्षेत्र के ग्राम उरवलिया में आज किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय राम सुंदर दास निषाद जी, विधान परिषद सदस्य, विधान परिषद सचेतक लखनऊ उत्तर प्रदेश, सपा पूर्व विधायक एवं वर्तमान जिला अध्यक्ष माननीय लालजी यादव, लोहिया वाहनी के प्रदेश सचिव शब्बू सलीम, पूर्व ब्लॉक प्रमुख खुनियाव तोलेश्वर निषाद जी, लोहिया वाहनी के बांसी ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णा अग्रहरी, मुनर शरीफ, पूर्व प्रधान चेतिया राजेंद्र श्रीवास्तव प्रधान, असिधावा मोहम्मद हारून, छात्र संघ विधानसभा अध्यक्ष पूर्व बीडीसी मंटू सिंह, पूर्व प्रधान के बी लाल और आदि सपा समर्पित कार्यकर्ताओं ने पूरी दमखम के साथ किसान चौपाल कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसमें पूर्व विधायक वर्तमान जिला अध्यक्ष माननीय लालजी यादव ने किसान भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में किसान चौपाल का आयोजन करके वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था वह एकमात्र जुमला ही साबित हुआ है और आगे भी ऐसे झूठे वादे में उत्तर प्रदेश की जनता को फंसाने का प्रयास ने वर्तमान सरकार सफल ना हो पाए। इस उद्देश्य के साथ सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर किसान चौपाल लगाकर जनता को जागरूक करना ही हमारी प्राथमिकता है। बोलिए भारत माता की जय। माताएं बहने नहीं बोल रही है भारत माता की, बोलिए भारत माता की जय। बच्चे कैसे बोल रहे? साथियों आज हम लोग एक कार्यक्रम में है, प्रभु जी के गांव का कई कार्यक्रम। कौन गाँव? गौड़ी 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 नहीं वो आए तो वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम और उस कार्यक्रम के बाद प्रभु जी के घर माता प्रसाद पांडे जी और महामंत्री है ना, तो वहाँ पहुँच गए। आप जानते हैं कि अगर कोई भी आई टी चाहता है तो कोशिश किया जाता है कि यही दिन भर है, दूसरे उसका भाई उसका बाप बीमार है और दवाई के लिए कैंसर का है, टीबी का है, हार्ट का है, 1,00,000 रुपया लगता था तो चक टूट जो सड़क के किनारे एक हिस्सा बेचना चाहता था, अगर वो 2,00,000 उसकी कीमत है तो 1,00,000 रुपया भी नहीं पाता था और उसका चेक फूट का फाइल दाखिल नहीं होता था। अगर आप लिखवा लिए और फाइल दाखिल कराए तो जहां 1,000 में खाली दाखिल 2,000 में होता है वो 50,000 25,000 होता था कि नहीं होता था। ये माफ किया, ये हिस्सा बेचो तो जो उसकी भी खाली दाखिल हो जाएगी, दूसरी हिस्सा बेचो दूसरी बीघा बेचो, ये काम मुलायम सिंह यादव ने किया था। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों का सबसे पहले नवासी में कर्ज माफ किया। आप लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब लगा के पता कर लेना, पूरे भारत में किसानों का जितना कर्जा है उससे कई गुना ज्यादा कर्जा ये मोदी जो गुजराती कंपनी के गुजराती पूंजीपति हैं कई हजार करोड़ रुपया एनपीए डाल के माफ कर दिया। आप देने की स्थिति में नहीं है, आपका वो हजारों हजार करोड़ 500 करोड़ 100 करोड़ माफ हो गया, लेकिन आपका 10,000 जो कर्जा माफ हुआ था तो यही स्टेट बैंक के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पूंजीपति
कहते थे कि देवीलाल और मुलायम सिंह ने देश का खजाना खरीदा। हम अगर पूरी बात बताऊं तो दो घंटा लगेगा। 2012 में माननीय मुलायम अखिलेश यादव की सरकार बनी, उन्होंने आपका दर्द समझा, आपके घर में कोई 10 बजे 11 बजे रात में बीमार हो गया, अगर बरसात हो रहा है तो आपके गांव में अगर 2-4 गाड़ी किसी के पास है तो उसका ड्राइवर कहीं दूसरे जगह का है तो 12 बजे रात में मरीज को लखनऊ नौगढ़ सिद्धार्थनगर बांसी नहीं ले जाता। माननीय अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के सभी समाज के नेता पूरे उत्तर प्रदेश में किसान चौपाल लगा रहे हैं। हम लोगों को किसान चौपाल लगाने का मकसद है कि हम लोग आपके बीच में आपकी जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा किया कि नहीं किया, और समाजवादी पार्टी की माननीय मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव की सरकार ने जो कहा उसको किया कि नहीं किया। 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार। हम सत्ता में आए थे, प्रदेश में हमने वादा किया था कि हम समाजवादी पेंशन लाएंगे, कन्या विद्याधन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, गरीब किसान का बेटा कमाऊ परिवार जिसके नाम से एक बिस्सा भी खेती होगी उसके मरने के एक महीना के बाद अगर वो पोस्टमार्टम कराता है तो उसको 5 लाख रुपए का देना है। ये कोई ऐलान नहीं थी, इस नाते माननीय मुलायम सिंह यादव जैसे हम लोग गांव के हैं वो भी गांव के ही किसान परिवार से निकल कर मुख्यमंत्री पर गए तो किसानों का दर्द कमाऊ परिवार मर गया, उसकी बेटी जवान है शादी करना है तो कहां से लाएगा, उसका खेत बिकेगा, एक बीघा खेत में बेच देगा 5 लाख नहीं पाएगा, उसके परिवार की स्थिति खराब ना हो, उसकी बिटिया की शादी हो जाए, उसके बेटा पढ़ लिख दे, पढ़ाई अगर पढ़ने वाला बच्चा है पढ़ लिख ले इसके लिए व्यवस्था। आप जानते हैं समाजवादी पार्टी की 2002 के सरकार के पहले कोई वह किसान जिसका चेक 10 बीघा का है एकाध लड़की उसमें नौकरी पा गई। आप जानते हैं छोटी छोटी नौकरियां जब पढ़ाई में आप होंगे तभी मिलेगा। साथियों तमाम मुद्दे हमारे नेताजी बोलेंगे, हम आपसे फिर किसान चौपाल लगाकर संवाद कर लेंगे। हमारे बीच में भाई चौलेश्वर निषाद है, उसके पहले मैं सप्पू सहानी से सप्पू सलीम से चाहूंगा कि वो आके आपको दो शब्द हम स्वागत कर दे। भाई सप्पू सलीम पहुंच जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अभी नहीं तो मीटिंग चल रही है आज विधानसभा 304 बासी के अंतर्गत ग्राम सभा उरौलिया में लखनऊ से चलकर आए विधान परिषद सदस्य पितातुल माननीय राम सुंदर दास निषाद जी का मैं इस उरौलिया की पावन धरती पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों मैं
समाजवादी पार्टी जनपद सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष माननीय लालजी यादव जी का भी स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिला महासचिव बड़े भाई आदरणीय कमरुज्जमा खान साहब, जिला उपाध्यक्ष बड़े भैया पूर्व प्रमुख तौलेश्वर निषाद जी का मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सामने बैठे हमारे नौजवान साथी, बूढ़े बुजुर्ग, पिता तुल एवं माताओं बहनों, सबको मेरा हार्दिक स्वागत अभिनंदन सब स्वीकार करें। साथियों, वक्त बहुत कम है, बातें बहुत कुछ कहनी है, हमारे बड़े नेता हैं, इसलिए चूंकि मैं नहीं बोलूंगा वहाँ, आप हमारे नेता की बात सुनिए, आप लोग उससे जो है कुछ विचार अपने हाथ विचार सुन के जाइए और आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बना के और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का